नमस्कार, मैं क्षितिज देशमुख, बीसी न्यूज के प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो डालते एक नजर आज के प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में संचालित एनजीओ एम्बार्क केयर फाउंडेशन ने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लेते हुए गर्ल्स स्कूल में जाकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्रों को उनके भविष्य को लेकर परिवार एवं खुद द्वारा बनाए गए सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई। एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा ऑस्कर विजेता सुमन ने बताया कि उसकी एनजीओ एम्बार्क केयर फाउंडेशन प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से युवाओं की बढ़ती अवस्था में उनके भटकने के स्थान पर उनको उनकी जीवन की विकासशील मंजिल की तरफ आकर्षित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, ताकि युवाओं को अपनी युवा अवस्था में पदभ्रष्ट ना होकर अपने जीवन को एक उपयोगी जीवन बनाने में अच्छी दिशा मिल सके। क्योंकि हर एक बच्चे के साथ में जहां उसका खुद का जीवन का भविष्य होता है, तो वही उसके परिवार का भी उसके साथ एक सपना जुड़ा होता है। इसके लिए एनजीओ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों को भी लेकर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रेरित करने का काम कर रही है। प्रोग्राम का जो मोटिव है, बेसिकली हम लोग एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं। बाहर से हमारी टीम आई है, मिस्टर नीरज गेरा और उनके साथ रोटरी क्लब वाले हैं और दो चार लोग और हैं उनके साथ में, जो कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं यूथ अवेयरनेस को लेके, जिसमें मेंस्ट्रुएशन भी एक टॉपिक हमने रखा है गर्ल्स के साथ में। और हमारा इस मूवी को बनाने का जो मकसद है वो है कि यूथ के साथ उनके टारगेट को डिस्कस करना, क्योंकि बच्चे शायद जब एक अवस्था में आते हैं, एक जब वो नए नए जवान होते हैं या नए नए जब वो बड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य, अपना टारगेट भूल जाते हैं। तो वो उनको उनके सही दिशा के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए ये हम लोग एक मूवी बनवा रहे हैं, जो कि एम्बर केयर फाउंडेशन की तरफ से आज AKP में हम लोगों ने इसका एक दिवस का प्रोग्राम रखा है, और कल हम लोगों ने इसका ताराचंद में भी रखा है। कल ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी हम लोग बॉयज़ के साथ शूट करेंगे। हमारे यहाँ जो आर्यकन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में आज ये जो बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये एम्बर्क फाउंडेशन के थ्रू हमारा प्रोग्राम किया जा रहा है। इसका जो मेन मोटिव है वो बालिकाओं को जागरूक करना है। जो बच्चे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे कभी बोल नहीं पाते हैं, जैसे कि मानसिक धर्म, जिसे हम पीरियड्स का भी नाम देते हैं। और जो बच्चे कई बार मोटिवेशन की कमी होती है कुछ बच्चों के अंदर, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको मोटिवेशन ना मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते अपनी लाइफ में। तो आज हमारे जो प्रोग्राम हो रहा है एम्बर फाउंडेशन के द्वारा, महिलाओं को और बालिकाओं को जागरूक करने का प्रोग्राम किया जा रहा है। बीसी न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, आग से 9 बकरियों सहित घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ। मौके पर अग्निशमन टीम नहीं पहुंची, जिससे आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। घर में रखी नगद समेत गहने जलकर खाक हुए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंगलापुर थाना क्षेत्र के सबलापुर गाँव का यह मामला है। और हम 8:15 बजे का टाइम था और अपने चार पाए पे सो रहे थे और आग हमें लगी हुई पाई हमने। जब रजाई जली, रात के हम ड्राइवर आदमी हैं, रात के जब हम सोए हुए थे तो रात के 8 बजे, सुबह 8 बजे जब हम जगे तो आग लग गई थी। हम एकदम भड़बड़ा के उठे तो हमने देखा हमारे बच्चे और सब ने निकाले जली जली, और रजाई भी जल गई। 9 बकरियां, 1 भैंस और गाय हमारी वो घायल, 9 बकरी जल के ख़त्म हो गई। बीसी न्यूज़ के लिए कानपुर देहात से रजा मोहम्मद की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जनपद पति ने अवैध शराब संबंधों के शक में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर नृशंस हत्या कर दी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। खरेला थाना कस्बे के मोहल्ला शारदाए में रहने वाले बलराम की पत्नी सुनीता घर पर सो रही थी, तभी देर रात पति अचानक घर में आते ही मारपीट करने लगा था। मारपीट के विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी में बताया गया कि पति अपनी पत्नी पर किसी अन्य से अवैध संबंध होने के शक पर हत्या की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसमें हमारा भाई है, हमारी बहू है, ये आपस में लड़ते रहे हों या सभी हो, रात में कुल्हाड़ी से उसने मार दिया। रात्रि में सूचना मिली कि थाना खरेला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची
और इसमें अभियोग पंजीकृत करके उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इस मुकदमे में कराई जा रही है। बीसीएन न्यूज़ के लिए महोबा यूपी से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। कृषि संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली कुछ कर रहे भाकियू नेता मांगेराम त्यागी पुलिस प्रशासन को चकमा देकर जैसे ही बुलंदशहर पहुंचे, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सीओ सिटी ने अपनी जीप मांगेराम के ट्रैक्टर के आगे लगा दी और खुद अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए। मांगेराम त्यागी से कहने लगे कि ट्रैक्टर साइड करो। मांगेराम के ट्रैक्टर साइड नहीं करने पर सीओ सिटी संग्राम सिंह ट्रैक्टर के सामने खड़े होकर मांगेराम से बोले, ट्रैक्टर साइड लगाओ अन्यथा मेरे ऊपर चढ़ा दो। दरअसल यह सारी कवायद बुलंदशहर पुलिस की थी ताकि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली के लिए आज कुछ ना कर सके। बता दें कि पुलिस ने एनसीआर के महासचिव मांगेराम त्यागी के घर को तड़के ही छावनी में बदल दिया था और घर पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, मगर मौका पाकर मांगेराम त्यागी ट्रैक्टर ले दिल्ली के लिए कुछ करने निकल पड़े। जैसे ही मांगेराम बुलंदशहर पहुंचे, सीओ सिटी संग्राम सिंह ने उनका रास्ता रोका। बुलंदशहर से बीसीएन न्यूज के लिए जावेद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट। खरखौदा थाना क्षेत्र में पुलिस की सजगता से एक मासूम की जान बचाई गई है। बुधवार की शाम अपहृत किए गए मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। इसी के साथ मासूम का अपहरण करने वाले उसके पड़ोसी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी होमगार्ड का बर्खास्त जवान है। बता चले कि जाहिदपुर निवासी रोहित का 8 वर्षीय पुत्र प्रियांशु बुधवार की शाम अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक प्रियांशु लापता हो गया। परिजनों ने खरखौदा थाने में घटना की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। फुटेज में रोहित का पड़ोसी सोनू बाइक पर मासूम प्रियांशु को ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस और सर्विस लांस की टीम लगातार आरोपी सोनू की तलाश में जुट गई थी। एसएसपी अजय सहानी ने बताया कि थाना प्रभारी ऋषिपाल शर्मा और उनकी टीम ने बृहस्पतिवार की दोपहर आरोपी सोनू को किला परीक्षित गढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सोनू के बताने पर पुलिस ने मासूम प्रियांशु को भी बरामद कर लिया है। एसएसपी कार्यालय में प्रियांशु के माता पिता को बुलाया गया, जहां मासूम को सकुशल देखते ही खुशी के मारे उसके माँ बाप की आंखें छलक उठी। पुलिस ने मासूम प्रियांशु को उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि आरोपी सोनू होमगार्ड का बर्खास्त जवान है, वह नशे का आदि है, जिसके चलते उसने मासूम का अपहरण किया था। एसएसपी ने 18 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद करने वाली पुलिस टीम को 20,000 का नकद इनाम देने की घोषणा की। आज थाना खरखौदा में एक 8 वर्षीय बालक जिसका नाम प्रियांशु पुत्र रोहित है, उसके किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। घटना के अनावरण हेतु कई टीमें तत्काल लगा दी गई। इसी के फलस्वरूप 18 घंटे के अंदर इस बालक को सोनू नामक व्यक्ति के पास से सकुशल बरामद किया गया। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। 2 जनवरी को थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगला हैंडल में एक कविता नामक महिला के घर में घुसकर किसी ने धारदार हथियार से उसके गले पर चोट पहुंचाकर हत्या करने वाले मामला एसएसपी अजय कुमार ने पुलिस लाइन संभाग घर खुलासा किया है। घटना की जांच के दौरान मृतक के पड़ोस के एक छोटी लड़की ने बताया कि घटना वाले दिन वह पानी लेने मृतक के घर गई थी। बॉबी पुत्र हरिलाल निवासी नेमखेड़िया थाना शिकोहाबाद उसके घर मौजूद था। इस पर थाना शिकोहाबाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जाना उसने स्वीकार किया, पर हत्या की बात नहीं कही। साथ ही बताया जब वह घर से निकला था तभी शफीक पुत्र नसीर निवासी कटरा मीरा थाना शिकोहाबाद को कविता के घर में अंदर जाते देखा था। इस मामले में जब शफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। बताया गया कि नगला हैंडल में उसके मुर्गे और बकरे की मटन शॉप है, जहां कविता प्राय चिकन लेने आती थी, तभी उसे प्यार कर बैठा। नजदीकियां बढ़ गई। 2 जनवरी को उसके घर पहुंचा तो बॉबी को कविता के घर से निकलते देख गुस्सा आ गया और उसके गले पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। अभियुक्त से एक आला कतल चाकू रक्त रंजित शर्ट बरामद कर ली गई है। वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण राजेश कुमार भी मौजूद रहे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी शिकोहाबाद सुनील तोमर, एसजीओ प्रभारी कुलदीप सिंह संग उनकी पुलिस टीम साथ रही। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम
को 20,000 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया है। ये थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का पूरा मामला है। विगत 2 जनवरी की शाम को एक हत्या हुई थी, सनसनीखेज हत्या थी एक महिला की। उसके घर में ही उसकी लाश मिली थी जिसका गला कटा हुआ था। इस मामले में मृतका के पति के द्वारा एक तहरीर दे करके एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, विवेचना प्रारंभ की गई थी। हमारे पुलिस अधीक्षक देहात श्री राजेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में 3 टीमें लगाई गई थी जिनके द्वारा सफलता प्राप्त हुई है और असली कातिल जिसका नाम शफीक सामने आया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बीसीएन न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज़ के प्रदेश के खबरों में वक्त चला है यही रुकने का। ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।